गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन क्लबे इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। अप टू प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर फोर्थ चैप्टर टू होमोलोगस सीरीज, मीन्स अप टू गाइडेड कोर्स वी हैव डन इन द चैप्टर नंबर फोर अप टू होमोलोगस सीरीज। टुडे वी विल टेक रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर फोर। Some students have some queries in the chapter number 4. So I am revising the chapter number 4 completely with the queries which you have already sent to me. Chapter number 4 is carbon and its compound. आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो कार्बन और इसके कंपाउंड से रिलेटेड है, तो सबसे पहले अपन कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब अपन कार्बन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन जो है उसकी जो अबंडेंस है एटमॉस्फेयर में वो कितनी है, 0.05% है, जिसमें ये दो कैटेगरीज में पाया जाता है, एक तो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और दूसरा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाई और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर अपन अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेरिक अबंडेंस की बात करें तो उनकी जो अबंडेंस होती है वो अलग अलग होती है, 0.02% और 0.03%। अर्थ क्रस्ट की जब अपन बात करते हैं तो उसके अंदर अपन फोर कैटेगरीज को कोरिलेट करते हैं, एक होता है कार्बोनेट, एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक होता है कोल और एक होता है पेट्रोल, जिसमें से कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो बेसिकली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑल ऑफ द मेटल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि कोल और पेट्रोल जो होता है वो फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में आपको मिलता है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक अबंडेंस की जब अपन बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं कि कार्बन जो होता है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करता है, उन कंपाउंड्स का नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन की तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि क्यों वो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चलेगा कि कार्बन जो है वो स्टेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2-4। रीज़न, इसका एटॉमिक नंबर आपके 6 होता है, तो एटॉमिक नंबर जो 6 है इसमें इस 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए आप फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल को यूज़ करते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, फिर रेस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं, इसके सेकेंड शेल में फिल हो जाते हैं। इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है और ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है। तो बहुत सारे बच्चों की जो क्योरी थी, फर्स्ट क्योरी वो थी कि वाई द कार्बन इज़ नॉट फॉर्मिंग द C+4 एंड C-4। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ इसको। तो देखिए, C+4 और C-4 की जो कंडीशन है उसमें फर्स्ट अगर C+4 की अगर अपन बात करें तो कार्बन जो है वो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके सेंटर की अगर बात करें तो इसके सेंटर में 6 प्रोटॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये 6 प्रोटॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखते हैं, लेकिन जब C+4 की अपन बात करते हैं तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ये क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो कंडीशन जो जनरेट होती है वो ये होती है कि 6 प्रोटॉन्स किन को होल्ड करके रखेंगे, आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को। इस कंडीशन में 6 प्रोटॉन्स इजीली 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट करके न्यूक्लियस की तरफ खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस 6 प्रोटॉन्स की एनर्जी को, इस पुलिंग फोर्स को क्या कर सके, बैलेंस कर सके, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी बेसिकली ये कैसी कंडीशन है, एक अनस्टेबल कंडीशन है, जबकि अपन चाहते क्या हैं कि कार्बन को क्या मिले, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिले। तो C+4 इज़ नॉट एग्जिस्टिंग ड्यू टू द अनस्टेबल फॉर्मेशन।
-4 की अगर बात करें मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लिए जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिए जाएंगे, ये C+4 वाली कंडीशन है। C-4 की कंडीशन को अगर देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करने पर होगा क्या, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आ जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में हो जाएंगे, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सेकेंड शेल एंड 4 इज गेन बाय द कार्बन। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लेता है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में यानी सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो क्या आप सोच सकते हैं कि 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि वो सर्कुलेट करते हुए बाहर की ओर निकल जाएंगे। तो ये वाली जो कंडीशन है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली फिर कार्बन कैसे स्टेबल फॉर्म में आता है? तो कार्बन जो होता है वो शेयरिंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू स्टेबल कॉन्फिग्रेशन जनरेट करता है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को देखते हुए कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से कार्बन क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। और बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड होते क्या हैं, शेयरिंग के थ्रू बने हुए इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग के थ्रू बने हुए जो बॉन्ड्स होते हैं दैट इज नोन एज अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जब बन जाता है कार्बन का तो उससे कार्बन कंपाउंड्स में एक स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं। क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं? वो स्पेशल फीचर्स होते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो इनके लो हो जाते हैं। दूसरा, ये आयन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते जिसकी वजह से इनके पास कंडक्टिविटी नहीं होती है, यानी कार्बन कंपाउंड्स कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर होते हैं। रीज़न, दे डू नॉट फॉर्म आयन्स, ठीक है, फॉर्मेशन ही नहीं होगा क्योंकि जब डिसोशिएट किया जाएगा कार्बन कंपाउंड्स को तो आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बन रहा था और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर सब जो भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे थे वो फ्री हो जाएंगे। मीन्स आयन विल नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द डिसोशिएशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो उस कंडीशन में आयन फॉर्मेशन नहीं हो रहा, अट्रैक्शन फोर्स कम है आयन अगर फॉर्म नहीं हो रहा है तो, बिकॉज अपोजिट आयन्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंड करके रखते हैं। बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो उनको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे किन में, आयनिक कंपाउंड्स में। लेकिन बेसिकली अपन देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते क्योंकि उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। तो आप क्या कह सकते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, ठीक है, और साथ में ये इंसुलेटर फॉर्म भी शो करते हैं बिकॉज दीज आर नॉट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, जब अपन बात करते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो जब फॉर्म हो रहे होते हैं या कार्बन जो फॉर्म कर रहा होता है तो क्या स्पेशल फीचर्स और आ सकते हैं या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कार्बन कंपाउंड शो करता है? तो कार्बन जो होता है वो एलोट्रॉप फॉर्म भी शो करता है। एलोट्रॉप फॉर्म के अंदर होता क्या है बेसिकली कि कार्बन जो होता है वो कंबाइन होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर हो जाती है। जस्ट लाइक क्रिस्टलाइन फॉर्म की अगर बात की जाए कार्बन के एलोट्रॉप्स, वो भी कौन से, क्रिस्टल फॉर्म वाले, तो उनकी अगर अपन बात करें तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिन। तो ग्रेफाइट और डायमंड बेसिकली इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस वगैरह का कोरिलेशन होता है तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पूछे जाते हैं या फिर यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं। तो ग्रेफाइट और डायमंड की अगर अपन बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर शो करता है, स्लिपरी इन नेचर होता है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? उसका रीज़न है कि एक कार्बन जो होता है वो अनदर 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। तो अनदर 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होने से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है क्योंकि कार्बन कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है, और टेट्रावेलेंट है इसका मतलब क्या है कि 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। तो 4th वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, अनसैचुरेशन शो करता है, यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा किसी भी अनदर कार्बन के साथ, जो भी 3 कार्बन उसके साथ बॉन्डेड है उनमें से किसी भी एक कार्बन के साथ वो क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो जैसे ही वो
किस फील्ड में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा, तो वो जो डबल बॉन्ड है वो इजीली क्या कर पाएगा, जंप कर पाएगा फ्रॉम वन कार्बन बॉन्ड टू द अनदर कार्बन बॉन्ड, और यही रीज़न है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, कार्बन एलोट्रॉप, ठीक है। और डायमंड की अगर बात की जाए तो डायमंड स्पेसिफाई क्यों कर रहे अपन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट कंपाउंड है अब तक के जितने भी कार्बन कंपाउंड्स या एटमॉस्फेयर में कंपाउंड्स जो देखे गए हैं उनमें से सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड इसे माना जाता है। उसके पीछे का रीज़न है इसकी स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो फॉर्म जो होती है वो 3D स्ट्रक्चर होती है, 3-dimensional स्ट्रक्चर होती है, और इसमें वन कार्बन जो होता है वो अनदर 4 कार्बन से अटैच होकर एक प्योर कार्बन कंपाउंड बनाता है, दैट इज़ डायमंड। तो डायमंड जो होता है वो प्योर कार्बन फॉर्म्ड कंपाउंड होता है, और मैंने आपको बताया था इसीलिए जो डायमंड होते हैं वो कहाँ से निकाले जाते हैं, कोल माइंस से निकाले जाते हैं। रीज़न क्या है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, हाई हीट चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ मिल पाता है उसको बहुत अच्छे से, और प्योर फॉर्म में कार्बन भी चाहिए, तो वो कहाँ मिलेगा, कोल माइंस में, क्योंकि कोल माइंस के अंदर प्योर कार्बन होता है, प्लस नीचे है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा अर्थ क्रस्ट का, और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो सारी फेवरेबल कंडीशंस जो होती है वो सारी की सारी उसको मिल पाती है, कहाँ पे, कोल माइंस में। इसीलिए डायमंड का फॉर्मेशन कहाँ पर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कोल माइंस में देखने को मिलता है। आर्टिफिशियली भी डायमंड बनाया जाता है, बट आर्टिफिशियल जो डायमंड्स होते हैं उनकी साइज़ जो होती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि अपन ज़्यादा एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते या ज़्यादा कार्बन को प्रोवाइड नहीं कर पाते, इसलिए कम कार्बन को लेकर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड कर सकते हो या फिर टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हो जितना उसको चाहिए, तो कम कार्बन लेने की वजह से डायमंड का साइज़ भी छोटा हो जाता है। तो बेसिकली जो डिफरेंस आता है आर्टिफिशियल और नेचुरल डायमंड में वो होता है साइज़ डिफरेंस। उसके बाद आती है वर्सेटाइल नेचर ऑफ दी कार्बन। वर्सेटाइल नेचर में अपन दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं कार्बन की, के पहली होती है कैटेनेशन और सेकंड होती है टेट्रा वैलेंसी, और इन्हीं दो चीज़ों की वजह से आपको कार्बन जो होता है कंपाउंड फॉर्म में वो मिलियंस ऑफ दी कार्बन कंपाउंड्स आपको अपने सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं। तो वर्सेटाइल नेचर नेचर की अगर अपन बात करें तो वर्सेटाइल नेचर में दो चीज़ें अपन कंसिडर करते हैं, पहली है कैटेनेशन और सेकंड है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी तो आप जानते ही हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये टेट्रावेलेंट होता है, यानी इसको अपनी आउटर मोस्ट शेल को यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए या आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये टेट्रावेलेंट होता है, और दिस फीचर इज नोन एज टेट्रावेलेंसी। तो टेट्रावेलेंसी की वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और ड्यू टू द कोवलेंट बॉन्ड इट फॉर्म्स मिलियंस ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स इन द नेचर। सेकेंड है कैटेनेशन। कैटेनेशन बेसिकली क्या होता है, कैटेनेशन चेन का फॉर्मेशन करना, वो भी लॉन्गर चेन्स का फॉर्मेशन करना, वो कैटेनेशन होता है, यानी बाय द बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन कार्बन कंपाउंड इट विल फॉर्म अ लॉन्गर चेन्स, लॉन्गर चेन्स एंड अ हैवी चेन्स, दीज आर नोन एज अ कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होती है और जो टेट्रावेलेंसी है जो कि इनकी वर्सेटाइल नेचर होती है, प्लस इसकी स्मॉलर साइज, ये स्मॉलर साइज का होने की वजह से किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होगा तो कंबाइंड जो फॉर्म में बॉन्ड बनेगा, यानी कॉम्बिनेशन के थ्रू कौन सा कॉम्बिनेशन होगा वो आपको पता ही है, कोवलेंट बॉन्ड कॉम्बिनेशन होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा तो कोवलेंट बॉन्ड में शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ईजीली ये क्या कर पाता है, अट्रैक्ट करके रख पाता है न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, शॉर्टर होती है, छोटी होती है, और छोटी होने की वजह से ये क्या कर पाता है, इजीली उसको बॉन्ड को मैनेज कर पाता है या अट्रैक्ट कर पाता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड होता है वो स्टेबल फॉर्म में रहता है और टूटता नहीं है जल्दी से, तो कार्बन कंपाउंड्स भी स्टेबल फॉर्म में रहेंगे। तो मिलियंस ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स बनाने के पीछे का रीज़न जो है वो है इसकी वर्सेटाइल नेचर, जिसमें आ जाता है कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी प्लस स्मॉलर साइज।
बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछली ईयर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, और पूछा गया था कि कार्बन के मिलियंस कंपाउंड्स आप सराउंडिंग में देख पाते हैं उसका क्या रीज़न है। तो आपको पहले बताना है कि स्मॉलर साइज़ का होता है, प्लस इसकी वर्सेटाइल नेचर होती है, इसमें कैटनेशन शो करता है, ये और टेट्रावलेंसी शो करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसकी वजह से मिलियंस ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें कैटनेशन और टेट्रावलेंसी के बाद अगर अपन बात करें, तो जो कार्बन का फॉर्मेशन होता है, कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, उनके अंदर आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी चेन्स बनती है कैटेनेशन के अंदर। एक अनदर एग्जांपल और है सिलिकन का, कि सिलिकन जो होता है वो भी कैटेनेशन शो कर पाता है, लेकिन उसके अंदर 7 to 8 एलिमेंट्स ही क्या कर पाते हैं, चेन का फॉर्मेशन कर पाते हैं। उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद वो अनस्टेबल हो जाता है और फिर से ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, तो वो अनस्टेबल कॉन्फिग्रेशन शो करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिलिकन भी क्योंकि कार्बन के ग्रुप का ही मेम्बर है, तो कई बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कार्बन के जैसे और को और कौन सा एलिमेंट है जो कि कार्बन के जैसे कैटेनेशन फॉर्म करता है, और दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप डिफरेंस बता सकते हो कि सिलिकन की साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से उसके जो बनने वाले बॉन्ड्स होते हैं वो क्या नहीं बन पाते, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स नहीं बन पाते। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स नहीं बनेंगे तो कंपाउंड्स भी क्या नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे। तो अपने को पहले से ही पता है कि सिलिकन 6 से 7 या 7 से 8 एलिमेंट के मेंबर वाली ही चेन फॉर्म कर पाता है, बिकॉज आफ्टर दैट इट विल बिकम अ अनस्टेबल चेन जिसमें छोटे छोटे फिर से कंपाउंड बनना शुरू हो जाएंगे। तो कैटेनेशन के अंदर अनदर एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिलिकन भी हो जाएगा, लेकिन वो लिमिटेड एलिमेंट मेंबर तक ही रहेगा। उसके बाद अगर अपन बात करें कैटेनेशन के बाद वाले की, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की अपन बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की अपन बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली होते क्या हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से फॉर्म्ड जो कंपाउंड्स होते हैं दीज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। इसमें से अपन ने दो कैटेगरीज इसमें डिफाइन करी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड के अंदर फिर से दो कैटेगरीज आ गई अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्डेड है, अनसैचुरेटेड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली। तो सिंगल बॉन्ड वाली जो सीरीज है उसको अपन ने नाम दिया एल्केन सीरीज, डबल बॉन्ड वाली जो अनसैचुरेटेड में काउंटेड है दैट इज नोन एज एल्कीन सीरीज, और ट्रिपल बॉन्डेड वाली यानी आपको कम से कम एक डबल बॉन्ड एक और एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए उस चेन के अंदर, उस सीरीज को नाम देना है एल्कीन और एल्काइन। एंड ट्रिपल बॉन्डेड इज नोन एज अ एल्काइन सीरीज एंड डबल बॉन्डेड नोन एज अ एल्कीन सीरीज। सिंगल बॉन्डेड कैसे एक्नॉलेज होगी, एल्केन सीरीज के नाम से उसे जाना जाएगा। तो तीन कैटेगरीज अपन ने डिफाइन कर ली अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन। उसके बाद अपन ने उनके बारे में बात करा कि उनके मॉलिक्यूल्स यानी उनके अंदर जो मेंबर्स आएंगे, एल्केन सीरीज़ के मेंबर्स है, एल्कीन सीरीज़ के, एल्काइन सीरीज़ के। वहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या अराइज हुआ कि कार्बन के जो ये सीरीज़ बनती है उनके अंदर एल्केन तो n इज इक्वल्स टू 1 ले लेता है मेंबर, बट एल्कीन और एल्काइन के अंदर n इज इक्वल्स टू 1 मेंबर नहीं पाया जाता। यानी फर्स्ट मेंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली कौन से कंपाउंड्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए। तो आप सोचिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। रीज़न, हाइड्रोजन हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स यानी इस एलिमेंट के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट होने चाहिए। तो कार्बन अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, क्योंकि उसको नीड है उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है। तो बेसिकली जब अपन सीरीज की बात करते हैं तो एल्केन सीरीज हैव द फर्स्ट मेंबर विद द n इज इक्वल्स टू 1, यानी कार्बन 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट मेंबर, बट एल्केन सीरीज एंड एल्काइन सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम द n इज इक्वल्स टू 2, यानी 2 कार्बन से स्टार्ट होगी। यानी बेसिकली कह सकते हैं कि एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर मिथेन होगा, जबकि एल्कीन और एल्काइन सीरीज में स्टार्टिंग ही कहाँ से होगी, इथीन और इथाइन से होगी, मिथीन और मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें कि मेंबर्स कैसे फॉर्म होंगे, कैसे उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आएंगे,
कैसे उनके नेम्स बनेंगे, तो उसके लिए अपन फॉर्मूला यूज़ करते हैं पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए। एल्केन सीरीज़ के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जिसमें n क्या है, कार्बन नंबर, यानी n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, जितने भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। उनके लिए पर्टिकुलर नेम होगा, जैसे कि वन कार्बन के लिए मैथ है, सेकंड के लिए एथ है, प्रॉप, ब्यूट, पैंट, हैक्स, हैप्ट या सैप्ट भी यूज़ कर सकते हो, ऑक्ट, नॉन डेट, ये क्या है, एन इज इक्वल्स टू नंबरिंग्स के नेम्स है, यानी 1, 2, 3, 4 अप टू 10। आई हैव ऑलरेडी हैव सेंट यू द टेबल। उसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, कि एल्किन सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्किन सीरीज़ के लिए अपन फॉर्मूला लेते हैं CnH2n, और एल्काइन सीरीज़ के लिए CnH2n-2, यानी मिड वाला होगा CnH2n, इधर जाओगे तो प्लस, उधर जाओगे तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, यानी इधर प्लस 2 उधर माइनस 2। एल्किन में प्लस 2, CnH2n में, मिड में CnH2n है और उधर एल्काइन के अंदर CnH2n-2। ठीक है, तो ये आपका एल्किन, एल्काइन और एल्केन सीरीज़ का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद सफिक्स की अगर बात करें, जैसे नेमिंग देनी है, तो नेमिंग के लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट तो किसको कंसिडर करते हैं, कार्बन नंबर को, कि कितना कार्बन नंबर है। सेकेंड, फिर सीरीज़ कौन सी ले रखी है अपन ने, सिंगल बॉन्ड सीरीज़ है, डबल बॉन्ड सीरीज़ है या ट्रिपल बॉन्ड सीरीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले कार्बन के अकॉर्डिंग अपन नेम लेते हैं, जैसे कि 4 कार्बन का कोई भी मेंबर है, तो 4 कार्बन्स के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट यूज़ करते हैं। फिर अपन देखेंगे कि कार्बन के मिड में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है सारों के बीच, या फिर डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं एक एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो भी कंसिडर किया जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं एक एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से ही बॉन्डेड है तो अपन सफिक्स यूज़ करते हैं एन, ANE। एक भी सिंगल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो उसके लिए अपन सफिक्स यूज़ करेंगे इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो सफिक्स क्या आ जाएगा, आइन। ठीक है, यानी बेसिकली एल्केन के लिए एन, एल्कीन के लिए इन और एल्काइन के लिए आइन। अब जैसे ब्यूट अपन ने लिया था, ठीक है, एल्केन सीरीज से कोरिलेट कर रहा है, यानी सिंगल बॉन्डेड 4 कार्बन एलिमेंट्स कंबाइंडेड है बाय द सिंगल बॉन्ड, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। अगर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एक भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो एक भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। बेसिकली वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैम विद द कार्बन एंड सफिक्स। सफिक्स किसका लिया जाता है, सीरीज का, और कार्बन एलिमेंट आपको पता ही है कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका नेम यूज़ कर लिया जाता है। तो दीज आर द सीरीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, 3 सीरीज हो गई, एल्केन सीरीज हो गई, एल्कीन सीरीज हो गई एंड एल्काइन सीरीज हो गई। उसके बाद अपन बात कर रहे थे उनसे कोरिलेट करने वाले मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, उस सीरीज के फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। बेसिकली जैसे कि एल्केन सीरीज के 6 मेंबर कार्बन की मॉलिक्यूलर फार्मूले को आपको देखना है, यानी हेक्सेन का फार्मूला अगर आपको निकालना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो बेसिकली अपन यूज़ कौन सा करेंगे फॉर्मूला, CnH2n+2 वाला फॉर्मूला चूज़ करेंगे। n इज इक्वल्स टू कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा C6H14। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको 6 कार्बन्स को सिंगल बॉन्ड से क्या करना पड़ेगा, कोरिलेट करना पड़ेगा। जैसे बॉन्डेड कर दिया आपने 6 कार्बन्स, ठीक है, ये कार्बन 6 हो गए, 2, 2, 4, 2, 6। अब इनकी जितनी भी वैलेंसीज बाकी रेस्ट रह गई है, वो सारी वैलेंसीज आपको किससे कंप्लीट करनी है, हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है। तो एल्किन सीरीज में तो बेसिकली किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर एल्किन सीरीज है तो एल्किन सीरीज के अंदर आपको डबल बॉन्ड लगाना होता है, तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि कॉर्नर पे ही आप डबल बॉन्ड इंसर्ट करें, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी यूज़ कर रहे हो तो कॉर्नर पे ही आपको यूज़ करना है। इसके बाद आती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए जितने भी कार्बन्स हैं उनको बड़े सर्कल की फॉर्म में यूज़ करना है, और जो हाइड्रोजन्स हैं, जितने भी हाइड्रोजन एक कार्बन पर अटैच्ड हैं, जैसे इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं,
थ्री हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि एल्केन सीरीज की अपन बात कर रहे हैं, तो थ्री हाइड्रोजन्स के लिए आपको थ्री छोटे सर्कल्स हाइड्रोजन को इंटीमेट करते हुए बना देने हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उसके बाद की अगर बात करें तो अपन ने देखा कि कार्बन चेन्स के अंदर फिर अपन ने टाइप्स ऑफ द या कैटेगरीज ऑफ द चेन स्ट्रक्चर्स की देखी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो आई आपकी चेन स्ट्रक्चर आई, फिर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर आ गई, फिर आपकी कौन सी आ गई रिंग स्ट्रक्चर, जिसको अपन साइक्लिक फॉर्म भी कहते हैं। तो चेन स्ट्रक्चर तो नॉर्मली ऐसी ही होती है। ब्रांच के अंदर अपन ने देखा कि एक कार्बन अनदर टू कार्बन के साथ फिर ब्रांच फॉर्म में आ जाता है। इसका स्पेशल फीचर क्या था? स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो कि अपन ने ब्यूटेन के लिए देखा था। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बेसिकली होते क्या हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, डिफर होती है। तो उनको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा जाता है। जैसे कि C4H10 के लिए अपन ने एक चेन स्ट्रक्चर देखी थी और ब्रांच भी देखी थी, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों के लिए C4H10 ही था, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की डिफर थी, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे। रिंग में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी वो अपन ने देखी कि जो रिंग होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप उसका कंसिडर करते हो, तो उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला जस्ट लाइक द एल्केन यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन नेमिंग जस्ट लाइक द एल्केन होगी। उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि रिंग में जब कार्बन एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो फर्स्ट कार्बन जो होता है वो लास्ट कार्बन के साथ आकर अटैच होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट कार्बन की एक वैलेंसी और लास्ट कार्बन की एक वैलेंसी जो होती है वो लैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दो हाइड्रोजन लैप्स कर देने होते हैं। बेसिकली वी विल फॉलो द फॉर्मूला ऑफ द एल्कीन सीरीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रिंग कंपाउंड्स, एंड नेमिंग विल बी डन एज अ एल्केन, यानी सफिक्स एल्केन का रहेगा। बट सबसे पहले नेमिंग करने से पहले आपको साइक्लो वर्ड ऐड करना पड़ेगा, जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो जो भी नंबरिंग आप दे रहे हो कार्बन की वो हो जाएगी। उसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो थी वो ये थी कि अगर आप मान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर रहे हो, यानी साइक्लोपेंटेन की बजाय आपको साइक्लोपेंटेन बनानी है, तो फिर से दो इलेक्ट्रॉन और लैप्स हो जाएंगे। रीज़न क्या है, देखिए अगर साइक्लोपेंटेन था तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके की थी, यानी पांच कार्बन उसके अंदर सब में सिंगल बॉन्ड, तो हर एक कार्बन की दो वैलेंसीज ऑलरेडी कंप्लीट है, दो वैलेंसी रेस्ट है, तो दो वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाया करती थी। लेकिन जैसे ही आप डबल बॉन्ड इंसर्ट करते हो, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड इंसर्ट कर दिया, तो इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो फोर ही रहनी चाहिए ना, तो टू तो यहाँ से ही कंप्लीट हो गई, वन यहाँ से कंप्लीट हो रही है, यानी थ्री, तो यहाँ से एक ही हाइड्रोजन आपको रिमूव करना पड़ेगा। ऐसे ही इस कार्बन की अगर बात करें, इस वाले कार्बन की, तो इस वाले कार्बन पे टू वैलेंसीज ऑलरेडी कंप्लीट हो गई, ये वाली थ्री हो गई, और तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन लैप्स करना पड़ेगा। तो जितने भी आप डबल बॉन्ड इंसर्ट करेंगे उतने ही आपको दो दो हाइड्रोजन उससे रिमूव करते जाना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड इंसर्ट कर दिया तो दो की बजाय आपको चार हाइड्रोजन रिमूव कर देने हैं। उसका रीज़न देखिए, यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड होता, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूँ, तो ट्रिपल बॉन्ड लगाते इस कार्बन की वैलेंसी देखिए, थ्री तो ये रही और फोर ये, यानी इसकी भी नीड नहीं है और इसकी भी नीड नहीं है, ठीक है। तो जितने भी आप डबल बॉन्ड इंसर्ट करेंगे उसके हिसाब से दो दो इलेक्ट्रॉन दो दो हाइड्रोजन लैप्स होते जाएंगे। अगर एक डबल बॉन्ड इंसर्ट किया है तो दो हाइड्रोजन लैप्स हो गए, और अगर आपने दो क्या कर दिए डबल बॉन्ड इंसर्ट कर दिए तो फोर इलेक्ट्रॉन्स लैप्स हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड इंसर्ट किया है साइक्लिक फॉर्म में, तो एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपके चार हाइड्रोजन्स लैप्स हो जाएंगे, और अगर दो हाइड्रोजन्स आपने क्या दो अगर ट्रिपल बॉन्ड आपने अगर इंसर्ट कर दिए तो एट हाइड्रोजन्स आपको लैप्स करने पड़ेंगे। तो आप फॉर्म करके देखिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप साइक्लिक फॉर्म में डबल बॉन्ड इंसर्ट करते हैं तो दो हाइड्रोजन लैप्स होते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड इंसर्ट करता है तो फोर हाइड्रोजन्स लैप्स होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको साइक्लोहेक्सीन बनाना है तो फॉर्मूला अब क्या होगा, CnH2n तो किसके लिए फॉलो कर रहे थे, हेक्सेन के लिए, लेकिन हेक्सीन अगर बनाना है तो CnH2n-2 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन दो और लैप्स करने पड़ेंगे, यानी C6H12 जो था वो फॉर्मूला किसके लिए था, साइक्लोहेक्सेन के लिए। अब जैसे साइक्लोहेक्सीन बनाएंगे तो CnH2n वाला फॉर्मूला -2 के साथ आएगा, तो C6H10 ही रह जाएगा,
और साइक्लोहेक्साइन अगर बना रहे हैं तो CnH2n माइनस टू की जगह क्या आ जाएगा, माइनस फोर आ जाएगा। यानी अब जो फॉर्मूला आएगा साइक्लोहेक्साइन के लिए वो होगा C6H8 ही आ जाएगा। तो फॉर्म करके देखिएगा किस तरह से फॉर्म होता है। एक क्वेश्चन जो अराइज हुआ था वो यही हुआ था कि मैम किस तरह से माइनस फोर क्यों यूज़ कर रहे हैं, चार हाइड्रोजन कैसे लैप्स हो गए या फिर दो हाइड्रोजन कैसे लैप्स हो गए जैसे अपन ने एक डबल बॉन्ड इंसर्ट किया। तो फॉर्म करिए, अगर आपको इस चीज़ के लिए कंफर्मेशन चाहिए तो आप उसकी स्ट्रक्चर को फॉर्म करके देखिए, क्योंकि जब आप डिफरेंस देखेंगे तभी आपको कंसिडरेशन आएगा कि माइनस टू क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखिए साइक्लोहेक्सीन के लिए अपन यूज़ साइक्लोहेक्सीन के लिए जो अपन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो बेसिकली ऐसी होती है, इसमें सिक्स कार्बन्स हैं और सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। तो हर एक कार्बन के ऊपर आपके कितने हाइड्रोजन्स हैं, टू टू हाइड्रोजन्स हैं। तो बेसिकली अपन क्या कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है वो कितना है, C6H12 है। किसकी बात कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं। तो अगर इसको साइक्लोहेक्सीन बना लिया जाए यानी एक डबल बॉन्ड इसमें इंसर्ट कर दिया जाए तो फॉर्मेशन देखिए मैं अलग ही बना के बताती हूँ आपको। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे तो इस कार्बन की फोर वैलेंसी कंप्लीट करनी है ना, तो फोर करने के लिए टू हाइड्रोजन्स नीडेड है। यहाँ पर भी टू होंगे, यहाँ पर भी टू होंगे, यहाँ पर भी टू होंगे, लेकिन इन दोनों कार्बन्स की अगर बात करें तो थ्री थ्री वैलेंसी तो ऑलरेडी कंप्लीट है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो एक हाइड्रोजन की तो नीड हुई। अब काउंट करिए, दो हाइड्रोजन तो ये रहे, दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, तो टू टू फोर, फोर और फोर एट, एट और टू टेन, यानी फॉर्मूला क्या हो गया, C6H10। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा था CnH2n वाला, जैसे हेक्सीन से किस में चले गए आप, साइक्लोहेक्सीन में चले गए यानी डबल बॉन्ड में आ गए, एक ही डबल बॉन्ड इंसर्ट किया है जबकि, तो क्या आ गया आपका फॉर्मूला CnH2n-2, ठीक है। और हेक्साइन अगर फॉर्म हो गया तो माइनस फोर हो जाएगा। देखिए साइक्लोहेक्साइन अगर फॉर्म हो गया, हेक्साइन में ट्रिपल बॉन्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, थ्री तो ये रही और ये इन कार्बन से कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो इनकी तो कंप्लीट हो गई, बाकी की टू टू वैलेंसीज कंप्लीट कर दीजिए, तो फोर और फोर एट, क्या फॉर्मूला बना, C6H8, किसका है ये, साइक्लोहेक्साइन का। तो साइक्लोहेक्साइन के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ किया अपन ने, CnH2n-4, ठीक है, यानी एक डबल बॉन्ड इंसर्ट होते ही टू हाइड्रोजन लैप्स और एक ट्रिपल बॉन्ड इंसर्ट होते ही कितने हाइड्रोजन लैप्स हो जाएंगे, फोर हाइड्रोजन लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन ने बात करी थी अनसैचुरेटेड, यानी ये भी अनसैचुरेटेड ही हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, लेकिन एक स्पेशल केस के बारे में अपन बात कर रहे थे, बेंजीन के बारे में। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आया कि बेंजीन क्यों बोल रहे हैं उसको, उसका रीज़न है वो कॉमन नेम है उसका, किसका, हेक्स 135-TRIEN का, अनसैचुरेटेड। देखिए ये हेक्सीन है आपके, हेक्सेन है आपके पास, साइक्लोहेक्सेन, अब इसको अपन ने कन्वर्ट करना है हेक्सीन में, वो भी कैसी, थ्री ट्रिपल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले, और वो भी कैसे होने चाहिए, अल्टरनेशन में, यानी फर्स्ट तो क्या करेंगे आप, वन फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड छोड़ देना है, फिर किस पे आना है, थ्री पे, फिर फोर्थ छोड़ देना है, फिर कहाँ जाना है, फिफ्थ पे। तो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड लगाया, फिर सेकंड छोड़ दिया, फिर थर्ड पे लगाया, फिर फोर्थ छोड़ दिया, फिर फिफ्थ पे लगाया, तो वन थ्री फाइव ट्राई इन। देखिए नेमिंग आपके नहीं है लेकिन ये जो है वो बेसिकली करेक्ट नेम है, किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन कॉमन नेम है जो इसके लिए यूज़ किया जाता है, हेक्स 135-TRIEN के लिए,
जो यूज़ किया जाता है वो नॉर्मल या कॉमन नेम जो है वो बेंजीन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बेंजीन क्या है? अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सीन है। उसमें भी हेक्सीन में कितनी ईन है? 3 ईन्स है, यानी 3 डबल बॉन्ड्स हैं। तो बेंजीन के बारे में अपन ने बात की थी, फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमेशा डबल बॉन्ड जो आएगा वो कैसे आएगा? अल्टरनेशन में। कैसे भी रख सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है इस तरीके का ही अल्टरनेशन रखें, इस तरीके का अल्टरनेशन भी रख सकते हो, एक दूसरे से सिमिलर ही होंगे, कोई से भी लिखी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अपन ने बताया कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर हाइड्रोजन को कोई एलिमेंट रिप्लेस कर रहा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? हेटरो एटम कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको? हेटरो एटम बोला जाता है। और हेटरो एटम की जब अपन बात करते हैं तो हमने टेबल बनाई थी जिसमें हेलो ग्रुप को लिया था, यानी हेलोजन्स लिए थे क्लोरीन और ब्रोमीन एज अ हेटरो एटम, और साथ में ग्रुप भी लिए थे किसके? ऑक्सीजन हेटरो एटम के। तो ऑक्सीजन जो होता है वो एज अ ग्रुप फॉर्म करता है, कौन कौन से ग्रुप फॉर्म करता है? अल्कोहल फॉर्म करता है, कीटोन फॉर्म करता है, एल्डिहाइड फॉर्म करता है, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्म करता है। इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताई थी कि ये हमेशा कॉर्नर पे एग्जिस्ट करेगा, और ये हमेशा मिड में एग्जिस्ट करेगा, और ये दोनों हमेशा कॉर्नर्स में ही एग्जिस्ट करेंगे। इसका कोई फिक्स नहीं है, ये मिड में भी आ जाता है, कॉर्नर्स पे भी आ जाता है। इनका ध्यान रखिएगा, कीटोन हमेशा क्या रहता है? मिड फंक्शनल ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों क्या है? आपके कॉर्नर फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इनके बेस पे फिर अपन ने बात करी लास्ट टॉपिक होमोलोगस सीरीज़ की। तो होमोलोगस सीरीज़ थी क्या? कार्बन कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर की हम हाइड्रोजन को एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप से क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी कि होमोलोगस सीरीज़ जो होती है वो उसके अंदर अगर बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे मेंबर्स की साइज़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है और डिक्रीज होती जाती है। लेकिन अगर बाकी सब चीज़ों की बात करें, जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें, तो जैसे जैसे मेंबर्स की साइज़ इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे उनके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है होमोलोगस सीरीज़ के अंदर मेंबर्स की वो डिफर होती है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी वो बेसिकली सेम पाई जाती है। तो होमोलोगस सीरीज़ के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही थी। और हम देखते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जो रेस्पेक्टिव मेंबर्स होते हैं उनको होमोलोग्यूज़ कहा जाता है, और होमोलोग्यूज़ में जो डिफरेंस पाया जाता है वो कितना होता है? CH2 का। और साथ में अगर एटॉमिक मास के बेस पर डिफरेंस देखा जाए तो वो कितना होता है? 14 µ का डिफरेंस पाया जाता है। तो आई थिंक कि जो 4 चैप्टर था वो मैंने समरी के फॉर्म में जो आपको बताया वो आपने शायद रीमेमराइज किया होगा। अगर आपने पहले के वीडियोस बहुत अच्छे से देखे होंगे तो बहुत अच्छे से आई थिंक आपको रीमेमराइज हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो पहले के वीडियोस देखिए, एक बार बुक को कंसल्ट करिए कि क्या क्या टॉपिक्स मैंने कंसिडर किए हैं इन द रिविज़न। और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं अपनी क्वेरी। और बेसिकली मैंने सभी बच्चों की जितने भी अभी तक क्वेरीज आई थी वो सारी की सारी ले ली हैं इसके अंदर। लेकिन फिर भी अगर किसी की रह गई हो या फिर छूट गई हो तो आप मुझे फिर से सेंड करिएगा, तो मैं आपको पर्टिकुलरली आपके पर्सनल नंबर पे उसका आंसर भेज दूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।